खबर मऊ जनपद से, जहां आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में देश को संबोधित किया जाएगा, जिसे लेकर भाजपा द्वारा पूरे देश में तैयारी की जा रही है। इसी तैयारी के संदर्भ में 355 विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहना के बरामदपुर बालिका इंटर कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी जनपद मऊ के द्वारा एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें भाजपा के समस्त कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष मोहम्मदाबाद गोहनालाल जी वर्मा, आशीष चौधरी, भूपेंद्र सिंह, मंडल मंत्री भाजपा नंदलाल सोनकर, सभासद बरईपुर सुभाष चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष किसान मोर्चा जनार्दन शर्मा, जिला उपाध्यक्ष किसान मंडल अध्यक्ष ओमकार सिंह करहा, नुपुर अग्रवाल, जिला महामंत्री आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। सर, ये जो है पार्टी कर रहे हैं आप लोग, किस दिशा में कर रहे हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय नेता माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो जन जन के नायक हैं, उनके द्वारा कल 11 बजे दिल्ली से ही पूरे देश को एक संबोधन होने वाला है, जिसको भारतीय जनता पार्टी इस मोहम्मदाबाद विधानसभा में, इस शहर डिग्री कॉलेज के इस हॉल में वर्चुअल रैली के रूप में प्रस्तुत कर रही है। यानी हम इसका प्रोजेक्टर पर ठीक प्रकार से जनमानस को, अपने भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता को, बूथ से लेकर करके गांव में रहने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को हम यह संदेश देने वाले हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था सारी कठिनाइयों के बाद भी, जब यह देश महामारी, कोरोना जैसी महामारी से भी उभर कर करके इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, पूरी दुनिया में भारत कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के मामले में एक शक्तिशाली भारत, एक नया भारत उभर कर करके आया है, वह संदेश कल 2-11 बजे हम रैली के माध्यम से समाज को देने वाले हैं। जी मैडम, आपको शुभ नाम? मैं नूपुर अग्रवाल, जिला महामंत्री भाजपा। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, और ये सभी विधानसभाओं पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्चुअल रैली के माध्यम से कल यानी कि 2 फरवरी को सुबह 11 बजे संवाद होना है। और यह जो संवाद होना है, यह LED के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से यह प्रत्येक विधानसभाओं में चलाया जाएगा। और इस माध्यम से हम लोग ये सूचना देना चाहते हैं आप सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं को भी, कि आप इसे और भी जनमानस तक पहुंचाएं। और मैं आपसे विनती भी करती हूं कि आप सभी भी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यक्रम कल होने जा रहा है, यह बूथ स्तर से लेकर के पूरा, ये जिले स्तर से लेकर के पूरा प्रदेश लेवल तक के कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित होंगे, और उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन ये देश के सभी कार्यकर्ताओं को होगा। और यह संबोधन जो है, ये आत्मनिर्भर व्यवस्था के ऊपर यह होने जा रहा है।